नमस्कार मित्रों, ज्ञानी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की एक ज्ञानवर्धक वीडियो। मित्रों, ज्ञान कैसा भी हो लेकिन अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, इससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे 5 कार्यों के बारे में बताएंगे जो कि स्त्रियां सामान्य तौर पर प्रतिदिन करती हैं और इन्हीं के कारण पूरे घर का सर्वनाश हो जाता है। तो आइए मित्रों, देर ना करते हुए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे 5 कौन से कार्य हैं जो स्त्रियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि विवाहित स्त्री चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे वो किसी भी घर को नरक बना सकती है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ अवश्य होता है, और ये बात अपने आप में सच है। घर की लक्ष्मी स्त्री ही होती है। जिस घर में स्त्री नहीं होती, वह घर घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी घर के सारे काम करती है और परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखती है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि जाने अनजाने में विवाहित स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर की सुख शांति दूर हो जाती है। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि घर के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब विस्तार से इन कार्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, झाड़ू को कभी पैर ना मारें। दोस्तों, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मार देती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, झूठे बर्तन ना रखें। मित्रों, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 3, सिंदूरदानी किसी को ना दें। मित्रों, सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी या सिंदूरदानी से सिंदूर लगाती हैं, वहां आपको किसी को नहीं देना चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला डालकर ही लगाएं। नंबर 4, पायल और चूड़ी किसी को भी ना दें। मित्रों, सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ की चूड़ियां और पैर में पहनी हुई पायल भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है और इसके चलते पूरे घर का सर्वनाश हो सकता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को अपनी चूड़ी और पायल किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, माथे की बिंदी किसी को ना दें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, महिलाएं अपने माथे की बिंदी अन्य महिलाओं से शेयर कर लेती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माथे की बिंदी भी किसी को नहीं देना चाहिए। किसी को अपने स्वयं की माथे की बिंदी देना भी बहुत अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, यही थी वो 5 बातें जो स्त्रियां प्रतिदिन करती हैं, लेकिन उन्हें इन बातों को कभी भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इस पेज को लाइक करें, और यदि YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आप भविष्य में आने वाले सभी वीडियो आसानी से देख पाएंगे। मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस।